हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले लासा सुपरजेनिक कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी क्या रख सकते हैं इस कंपनी के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो में तक ज़रूर देखिएगा और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर लासा सुपरजेनिक्स कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है वो बात करेंगे। इस कंपनी को यहाँ पर जो भी कंपटीटर्स हैं मार्केट में जो कि इस सेगमेंट में काम करती है उसके बारे में भी हम कंपैरिजन करके बताएंगे कि एज़ कम्पेयर टू अदर कंपटीटर्स ये कंपनी के अंदर क्या अच्छी बात है और क्या नेगेटिव चीज़ें जो है जो देखने को मिल रही है। शेयर का प्राइस करंटली जिस से मार्केट में ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो निवेश किया जा सकता है नहीं उसके बारे में, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग किस तरह की रही है, इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, किस तरह का फॉर्म देखने को मिला है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने किस तरह का रेवेन्यू प्रॉफिट किया है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। दैट इज़ लासा सुपरजेनिक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने मार्केट में मैन्युफैक्चर करती है, दैट इज़ ह्यूमन एपीआई। एपीआई माने कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो भी होते हैं, यहाँ पर जो भी दवाइयाँ होती है उसमें बनाने में काम आता है, तो उस ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, और एनिमल फीड के रिलेटेड जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर भी एपीआई की जो ज़रूरत होती है वो होती है, तो उस सेगमेंटेशन के अंदर भी ये कंपनी जो अपना प्रोडक्ट है वो यहाँ पर देती है। तो इसी के थ्रू इस कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस सेगमेंटेशन होता है, और यहाँ पर ब्रॉड बेसिस पर बात करें तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इस कंपनी का यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है 125 करोड़ का, और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है वो ये कि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है करेंटली 22.4 का, और यह स्टॉक जो है उसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है 67 का, ऑलमोस्ट 3 times से ज़्यादा महंगा यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.03% और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज 1.22% देखने को मिल रहा है। सो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ये कंपनी डेट फ्री है, और यहाँ पर इस कंपनी अगर मैं यहाँ पर करंटली वैल्यूएशन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 30.8 पे आज जो है शेयर यहाँ पर हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है, और हाई प्राइस रहा है शेयर का 88.6 और लो प्राइस रहा है 25.2 का। डिविडेंड यील्ड 0.81%। स्मॉल कैप पेनी स्टॉक है तो यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, बट फिर भी करेंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 30.8 पे। फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर अगर हम यहाँ पर अब फोकस करते हैं तो 2019, 2020, 2021 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुए थे। बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 9 to 8 times ग्रो होते हुए देखने को मिली है, बट यहाँ पर 2022 के अंदर फिर से जैसे सिचुएशन में रिकवरी आते हुए देखने को मिली है। फार्मा इंडस्ट्री जो है यहाँ पर हमें डाउन होते हुए देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर अभी करेंटली अगर हम देखते हैं 2019-20 एज वेल एज 2021 के अंदर के हिसाब से भी यहाँ पर सबसे कम रेवेन्यू यहाँ पर हमें 2012 के एंड के हिसाब से देखने को मिला है, दैट इज़ 137 करोड़ रुपये, और यहाँ पर 5.5 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी ने घाटा भी किया है। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। तो अब यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस के हिसाब से भी जो है चीज़ देखने को मिल रही है वो यहाँ पर यह है कि 2021 के अंदर हर क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट अगर हम एवरेज बेसिस पर भी देखें तो 30 करोड़ के कंपनी का रेवेन्यू हुए हैं, तो 30 करोड़ के हिसाब से 120 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का मार्केट कैप भी नियरली उतना ही है। बट यहाँ पर जो टर्न अराउंड है वो ये है कि यहाँ पर 2022 मार्च के अंदर जो अभी रिसेंट क्वार्टर आए हैं उसमें यहाँ पर कंपनी ने 50 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो यहाँ पर एवरेज बेसिस पर समझ लेते हैं कि कंपनी हर क्वार्टर में सिर्फ 45 करोड़ के भी रेवेन्यू करती है, तो 45 दैट इज़ 90 और 180 करोड़ रुपए का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिलेगा। जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट यहाँ पर किया 12 करोड़ का, अगर हम इसे भी एस्टिमेट करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 6 करोड़ का कंपनी जो है प्रॉफिट करेगी हर क्वार्टर के अंदर, तो भी 18, 24 करोड़ के जो है कंपनी के यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि 2022 के हिसाब से जो कि 2023 की जो डेटा आएंगे उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर कंपैरिजन यही रहेगा कि अगर हर क्वार्टर के अंदर एवरेज बेसिस पर 45 करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू होते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी अभी जितनी है उससे आधी भी हो जाती है या फिर 10 करोड़ के आसपास भी कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी आती है, तो भी हर क्वार्टर के बेसिस के हिसाब से ईयर ऑन ईयर इस तरह से परफॉर्म करती है, तो शेयर प्राइस यहाँ से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30-40 to 50% तक के जो रिटर्न्स हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं।
अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 64.47% हुआ करती थी, जो कि नेगेटिव सेंटीमेंट दिसंबर 2021 के अंदर 45.01% और मार्च 2022 के अंदर 43.78%। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिली है। FII की भी जो होल्डिंग है वो यहाँ पर हट गई है, DII की होल्डिंग भी यहाँ पर जीरो हो चुकी है। तो यहाँ पर मेजोरिटी जो स्टेक है वो यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टर्स, मतलब आप जैसे मेरे जैसे और जो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों के पास पड़ा हुआ है 56.21%। हालांकि अगर आप इस कंपनी में पहले से निवेशक हो या फिर निवेश करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो वॉलिटिलिटी है वो अगर यहाँ पर आप हैंडल कर सकते हो पेनी स्टॉक के अंदर तो ही यहाँ पर आप इस कंपनी के अंदर बनिएगा। अदरवाइज फॉर अ टाइम बिंग आई डोंट थिंक कि यहाँ पर हमें निवेश करना चाहिए, बिकॉज मोमेंटम बेसिस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी इस तरह के स्टॉक्स में, लेस वॉलिटाइल मार्केट के हिसाब से यहाँ पर हमें ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री के हिसाब से भी अगर हम इस कंपनी को कंपेयर करते हैं, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेडी, टोरेंट फार्मा, पिरामल एंटरप्राइज, बायोकॉन, जिंडस लाइफ साइंस के हिसाब से भी, तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगा ज़रूर मिल रहा है। बट यहाँ पर हमें जो एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर हमने आपको क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है बिजनेस प्रॉफिट के लिए आपको बताई कि यहाँ पर 40 करोड़ और 10 करोड़ के भी अगर यहाँ पर रेवेन्यू एवरेज आ जाते हैं तो यहाँ पर कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव टर्नराउंड देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी कि ये जो सेंटीमेंट है वो यहाँ पर होता है या नहीं सक्सेसफुली, बिकॉज मार्च के जो अभी के रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिले हैं। 5 साल का हाई प्राइस है 214 रुपये और यहाँ पर करेंटली चल रहा है 30.8 पर, आज 19.84% की तेज़ी के साथ में मार्केट में क्लोज ज़रूर हुआ है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट फिर से एक अपसाइड के अंदर मोमेंटम बेसिस पे बेस बनाता है या नहीं, या फिर से यहाँ से डाउन ट्रेंड फिर से जो है यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिलता है। सो फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह के इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, अदरवाइज नहीं। और जो है जो फार्मा इंडस्ट्री को ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर अवॉइड करना सही रहेगा, बिकॉज फार्मा इंडस्ट्री के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। सो गॉड नोज कि यहाँ पर हमें और ज़्यादा सेंटीमेंट डाउनसाइड के देखने को मिलेंगे क्या नहीं। सो लेट्स सी कि यहाँ पर एज पर द इन्वेस्टर सेंटीमेंट यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको लासा सुपर जेनेरिक्स कंपनी के बारे में जिस तरह से यहाँ पर हमने एनालिसिस कर बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।